श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी दोनों एक दूसरे से मिलते थे केशी घाट में। और एक बार ललिता आदि सखी विद्यमान और श्री ठाकुर जी भी विद्यमान है, आप दोनों निकुंज में गृह निकुंज में दोनों विलास कर रहे हैं और बाहर श्री ललिता आदि सखी विद्यमान है, बारह बेरा के कुटिला तो नहीं आ रहा है, जटिला तो नहीं आ रहा है, और कुटिला आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, अभी तो निरंतर चेक करते रहते कहाँ जा रहे हैं। और ठाकुर जी के साथ गेली विलास चल रहा था और वृंदादेवी गृह से आ रहे थे और वृंदादेवी देखा कि कुटिला भी ब्रज से आकर के यानी बरसना से आधी धीरे आ रहा है। अब इन्होंने देखा कि कुटिला जो आ रहा है तो उन्होंने तुरंत दौड़ लगाई और तुरंत दौड़ लगा करके इधर आके बोले कि देखो ललिता ललिता अभी कुटिला आ रहा है, इसी तरह आ रहा है, जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भेजो इधर से, अभी पकड़ लाएंगे साहब सर्वनाश हो जाएगा। तो तुरंत सब बुलाया कि अरे दरवाजा खोलिए दरवाजा खोलिए गृह में, अरे तो जल्दी निकलिए अभी आ रहा है कुटिला, भागिए सब यहाँ से। ठाकुर जी बोले अभी तुरंत भागना असंभव है, तो एक काम करो हमें आयन घोष बना दो, हमें आयन घोष बना दो। तो कहे ठीक है आप तो यहाँ से चले जाइए किसी दूसरे मंदिर के पास, उनको भेज दे कि इनको आयन घोष की जैसा वेशभूषा बना के एकदम लागे कि आयन घोष। अब सखी ने तुरंत ठाकुर जी को आयन घोष बना दिया। अब इधर तो श्रीमती निकुंज में है अर्ध अवस्था में, इनको छोड़ के चले गए, अब माला वाला सब जो खटिया पत वहीं पे बिखरा हुआ था। अब वो किशोर जी को भी ध्यान नहीं कि उस माला आदि को हटाना चाहिए, अब किसी को ध्यान नहीं रहा, ठाकुर जी चल पड़े। अब जिस रास्ता से कुटिला आ रहे थे तो उसी रास्ता में उनको मिल गया। अरे भाई तो भैया आप कहाँ से आ रहे हो? अरे अब श्री ठाकुर जी तो बेस धर है, अब ठाकुर जी कह रहा है कि मैं हल चस कर रहा था, मैं अभी लंगल चला रहा था कि भाई जमीन आदि को मैं ये कर रहा था, तो मेरा जो सांड है ये चला गया भाग के, जो गो है ये भाग के चला गया, मैंने तो नया नया खरीदा था, अब बताओ मैं कहाँ से लेके आऊंगा, पैसा वैसा कहाँ से लेके आएंगे, इसीलिए मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि जंगल में कहीं चला गया होगा। तो बोले भैया आप तो कोई ध्यान नहीं देते हो, बताए राधा रानी की राधा क्या कर रहा है? बोले क्या? बोले ये कसी घाट में चले जाते वो तुम्हारे कृष्ण के साथ विलास करते और सब कलुषित है, ये सब कुल नाशिनी है, ललिता आदि साहब ऐसे ही फालतू के है साहब, एकदम लज्जा अक्षरम कुछ है नहीं, कुल को विनाश कर दिया इन्होंने, सम्मान ही नहीं रखा, आपको कुछ पता नहीं? बोले हमें तो पता नहीं है कुछ। तो बोले राधा रानी निरंतर जा रहा है उनसे मिलने के लिए, नहाने की भावना से जाता है, पता नहीं घंटा घंटा क्या करता है, और वहीं पे कुंज बना के बैठे, पता नहीं किसकी कुंज है, आप देखे नहीं हो कभी? बोले अरे हमको तो नहीं पता। अच्छा तुम एक काम करो, आज राधा को पकड़ के ले आओ तुम, फिर हम देखेंगे आज, हम ऐसे में गुस्सा है हमारा गोप हो गया, अभी हमारा बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बत मत कहो, अभी जाओ राधा को ढूंढ के पकड़ के ले आओ। बोले वो नहीं आएगा। तो बोले उनको मैंने कहा ना कि कृष्ण किसी दूसरे कुंज में छुपा हुआ है, मैं यहीं पे कुंज में छुप के जा रहा हूँ, तो उनको जाकर के कहना कि कृष्ण उस कुंज में छुपा हुआ है, तो देखना वो आ जाएगा। तो हनुमान ने ऐसा बोल के दिया। आओ कुटिला चले किसी घाट में, आओ कुटिला आकर के देखा कि सखीगण विद्यमान है, श्रीमती जी भी हैं। अब कुटिला करके ललिता कर रहे ललिता कहाँ है श्रीमती? तो बोले वो है देख नहीं रहा हूँ। तो तू इतना समय में क्या कर रहा है? इतना समय लगता है नहाने के लिए? अरे नहाने के लिए लगता है, धीरे धीरे नहाते हैं, बातचीत होते रहते हैं, कभी कभार मिल जाते हैं सब, हम लोग एक साथ में तो बातचीत करते हैं।
और पास में जो कुंज था, अब जहां पर विलास होता है, अब बोले इस कुंज की दरवाजा खोलो। तो ललिता कहती, देखिए मैं तो परम पवित्रणी सती हूं, मैं किसी दूसरे का द्वार को उद्घाटन कैसे कर सकता हूं? अब मैं दूसरे के द्वार उद्घाटन जो करते हैं, मैं तो कदापि दूसरे का द्वार को भी दर्शन नहीं करता, और मेरे में कोई दोष नहीं, आप मुझे कलीमा मत लगाओ। मैं किसी दूसरे पति को सोच ही नहीं सकता, और मैं किसी को दरवाजा को भी खोल ही नहीं सकता। तो आप खोलो दरवाजा, हमें नहीं स्पर्श करना किसी दूसरे की दरवाजा में। हम तो सती है, किसी दूसरे के दरवाजा तक भी हम स्पर्शित नहीं करते। अब कुटिला ने, हाँ तो बड़ा सती दिखा रहा है, सतीपन दिखा रहा है, निरादेव तो खबर तो आता है तो कृष्ण के साथ इधर उधर चले जाता है कभी कभी। बोले सब झूठा है, कहा तुम उल्टी सीधी बात कर रहे हो। अब यह श्रवण करके कुटिला बोला ठीक है, तो जोर से एक लात मारा और दरवाजा को निकुंज की तोड़ दी। हाथ से नहीं बोला, लात लगाया खूब जोर से, और निकुंज की जो दरवाजा था कुंज की वो टूट गया। अंदर ऐसे सुंदर बिस्तर था एकदम सब कुछ। अब कुटिला गया और दिखा कि माला वाला बिखरा हुआ है, कृष्ण की माला था और श्री राधा रानी की दोनों माला एक साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। कुटिला ने तुरंत माला को पकड़ ली। अब ललिता भी देख पा रही, अब तो गड़बड़ हो गया, आप तो पकड़ जाएंगे। बोले एक माला किसका है, तो इसके श्री कृष्ण की शरीर का सुगंध आ रहा है, बताओ इस माला कैसा। और श्रीमती को बुलाया, अरे राधा आओ, क्या तो तुम ये माला किसका है? और श्रीमती के पास भी बड़ी सखिया आदि थी, तो कुटिला डरते थे श्रीमती से, जब सखिया आदि होता था तो डरते थे। अब कहे, बोले तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई हमारे गले में लगाए थे, उस समय लग गया था दोनों माला एक साथ में, तुम्हारे भाई के साथ ही तो अभी मिल करके आ रहा है ना, तो आलिंगन किए थे इसीलिए वो माला एक साथ लग गया, वो मेरा माला नहीं है, तुम्हारे भाई के हैं। देखा कर कुटिला भी कुछ कहने जा रहे थे, जोर से कह नहीं पाया डर में, क्योंकि देखा कि पास में भाई बहुत लोग हैं, तो वो वहां से चला आया। अब चले आया तो रास्ते में फिर कृष्ण मिले, और कृष्ण तो जानते कि भाई ये माला लेके जाएगा तो आज तो बड़ी विड़म्बना हो जाएगा, क्या क्या तो कृष्ण को साथ मिला, बोला भैया देखो 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 ये माला देखो, तुम ये देखो तो तुम्हारा किशोर जी का माला, ये बोला तुम्हारा माला देखो, कृष्ण के गले की माला है, और दोनों एक साथ में थे, हमने पकड़ लिए, अब इसको लेकर के मैं सबको दिखाऊंगा, पूर्णमासी को और मम्मी को जाके दिखाऊंगा कि भाई इसका निस्तर करो, राधा रानी को पकड़ लिया। तो अब ठाकुर जी कहने लगे, आया ना खुशी जो ठाकुर जी है, और वो कह रहा है अरे तुम शांत हो बहना, अभी देखो एक काम करो, तुम ये माला मेरे को दे दो, ये माला तुम मेरे को दे दो। तो बोले क्या करेंगे माला लेकर के, कि बोले कि ये माला लेकर के मैं कंस के पास जाऊंगा, और कंस के पास जाकर के विचार दूंगा कि ब्रज में ऐसा ऐसा तुम्हारे नंद महाराज के बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है कि समस्त ब्रज को गोपांगना को ये कलुषित कर रहा है, इसको दंड दो। और अभी अभी जाकर के कहूंगा कि 10 घोड़े सवार वाले जो रक्षी है उनको प्रेरण करे, और 5 रथ प्रेरण करे, किसको पकड़ के ले जाए जो नंद महाराज और नंद के बेटे को। ठाकुर जी बोले, और तो ललिता ने कहा, कुटिला ने कहा ठीक है भैया, तो फिर लीजिए। अब उन्होंने हाथ में धर के दे दिया माला थी, और ठाकुर जी तो कहीं पे गए नहीं है। अब कुटिला गृह में आए, और श्रीमती राधा रानी तब नहा रहे थे, अभी जा गए नहीं। अब थोड़ी देर बाद श्री मतलब 1.5 घंटा आधा घंटा हुआ, वो उस दौड़ करके आया ना किसी जो ठाकुर जी वो गृह पे आया। अरे कुटिला कुटिला दरवाजा खुलो दरवाजा खुलो, क्या हुआ क्या हुआ? अरे तुम जानते हो हम ये गया था कंसु के पास, और कंसु पे जाकर के मैंने कहा कि ऐसा ऐसा भाव हुआ है, ऐसा ऐसा चल रहा है, आप तुरंत सैन्य भेजो। तो नंद महाराज को और कृष्ण को पकड़ने के लिए उन्होंने सैन्य भेजा, मैं जैसा सैन्य बोला था 10 घोड़े में आ रहा है और 5 रथों में आ रहा है, इन सब परिवार को पकड़ के ले जाएंगे आज।
तो बोले अच्छा तो आप इतना जल्दी काहे आए हो। बोले अरे तुम बताओ नंद के बेटा इतने शैतान है कि नंद का बेटा ने मेरा ही वेश को धारण कर लिया। अब ठाकुर जी खुद आके कटिला से कह रहा है, खुद तो आयन के वेश में है और फिर आके कह रहा है कि मेरा वेश को ही पकड़ लिया नंद के बेटा, ऐसा दुष्ट है कि मेरा वेश को धारण कर लिया। तो कोई दूसरा आया अंगोष बनकर के गृह में आए तो उसको प्रवेश मत करने देना, आएगा तो डांडा से पीटना खुद करके। अब ऐसा जब कह दिया तो कुटिला भी क्या किए, फिर अपने भैया को घर में बंद करके रखा कि दरवाजा को बंद करके, बोला राधा आए तो मेरे पास भेज देना। अब श्रीमती भी पधारे, अब उन्होंने कहा कि तुम जाओ नीचे आयन घोष बैठे हैं। अब दोनों को कमरा में बंद करके दे दिए। अब अरे इधर आयन घोष उसी समय लौट के आ रहा। अब जैसे लौट के आया और गृहों के जो गेट है जैसे गेट को खोलने के लिए आया, अब जटिला था खड़ा था लोहे के जो डंडा होता है वो लेकर के, वो जो पहले होता था ना वो दुखल में कूटता था धान वगैरह, तो वो लोहे का डंडा होता था, अब वो लेकर के खड़ा हुआ है। अब जैसे आनगोस आने लगे तो वो कहे अरे दुष्टो कृष्ण तुझे हंस पकड़ता हो, ये कह करके दे धम करके पिटाने लगे आनगोस को। आनगोस भी बड़ा उनको ये हो गया, अरे पकड़ा गया तो ढीला लग रहा है, और आनगोस को भी ऐसा पीटा, वो पीटते पीटते भागे, बोले इसको शायद भूत प्रेत ने पकड़ लिया होगा आज कुटिला को, इसीलिए ये मुझे ही पहचान नहीं पा रहा है। तो कुटिला कहा कि तू मेरा भैया का वेश पकड़ता है, आज तेरे को देख लो। कुटिला है पीछे पीछे दौड़े, अब आनगोस बहुत दौड़ दौड़ करके एकदम जंगल में प्रवेश कर दिया कि भाई इसको आज तो घर में आऊंगा नहीं। अब इधर श्री ठाकुर जी और श्रीमती दोनों गृह में विराजमान है और दोनों एक साथ विराज कर रहे हैं और आपकी केली गिला शादी कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की जय।